अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि अब है अहमद की बर्थडे एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट. तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ बच्चों के जो हम लोग गेम्स में गिफ्ट्स देंगे वो पैक किए जा रहे हैं. हम लोग डिफरेंट गेम्स खिलवाएंगे, उसके बाद जो भी बच्चे गेम्स में जीतेंगे उनको यहाँ हमारी तरफ से गिफ्ट्स मिलेंगे. गिफ्ट्स में हमारे पास बबल्स हैं, फ्रिस्बी है एंड ड्राइंग बुक है, बैट है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं. और अब गिफ्ट पैक करने के बाद हम लोग गुडी बैग्स बना रहे हैं बच्चों को देने के लिए. जो बर्थडे में अहमद के फ्रेंड्स आएंगे उनको हम गुडी बैग्स देंगे और इसमें हम लोग टॉफीज डाल रहे हैं, डिफरेंट चिप्स डाल रहे हैं, चॉकलेट्स डाल रहे हैं. एक एक ट्रॉफी डालनी है, अभी एक एक डालनी है, वो कह रहे हैं जब कम पड़े फिर डाल देना. ये हैं वो क्यूट सी चॉकलेट्स जो हमने गुडी बैग्स में डाली हैं टॉफीज के साथ, एंड चिप्स भी डाले हैं हमने, पोटैटो स्टिक्स. और ये यहाँ पे बैठी मेहनत कर रही है, बच्चों के लिए बैजेस बना रही है बिकॉज अहमद को एवेंजर्स वाली. और अब सारे काम करने के बाद हमें लग चुकी है भूख एंड हम बना रहे हैं स्पाइसी नूडल्स. और इस वक्त आपको बताऊं तो रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग नूडल्स एंड ये राइस खा रहे हैं, गरम कर रहे हैं. और आधी रात को कजन्स के साथ इस तरह पार्टी करने में बहुत मजा आता है. एंड अब हमारे नूडल्स बन चुके हैं और ये दूसरों को देख रहा है कि कैसे हैं बिकॉज इसको खुद खाने में डर लग रहा है. स्पाइसी नूडल्स देख के इसको टेंशन हो रही है क्योंकि वाकई नूडल्स बहुत ज्यादा स्पाइसी थे. आज मेरे सारे कजिन्स यहीं रुके हैं, स्लीप ओवर हो रहा है मेरे घर एंड हम लोग मूवी देख रहे हैं इंग्लिश में इंग्लिश. अब आपको इंशाल्लाह कल सुबह का व्लॉग दिखाते हैं बर्थडे वाला. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और जी बर्थडे बॉय को कपड़े पसंद नहीं आ रहे इसलिए उसको स्पेशल कपड़े दिलवाने के लिए हम लोग चेज़ वैल्यू आ चुके हैं. बर्थडे बॉय को अपने किसी भी कपड़ों में से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा इसलिए हमें इतनी सुबह ही सुबह चीज़ वैल्यू आना पड़ा इसके लिए कपड़े लेने. एंड वी आर डिसाइडिंग कि क्या लिया जाए जो ये अपनी बर्थडे पे पहने. और अब शर्ट बाय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बुक शॉप क्योंकि यहाँ से भी हमें बच्चों के लिए कुछ दो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी. और अब हम घर आ चुके हैं एंड डेकोर वाला घर आया हुआ, डेकोर नहीं कर रहे एंड एज यू कैन सी कि वो आ चुका है. और अब यहाँ पे बैलून का डेकोर स्टार्ट हो चुका है एंड बर्थडे में अब कुछ ही टाइम रह गया है. इन द मीनवाइल हम लोग यहाँ बाहर टेबल डेकोरेट कर रहे हैं जिसपे अहमद केक कट करेगा. काम करना पड़ा है खुद तो मजे से. और स्टार्ट हो चुकी है एंड सारे अहमद के फ्रेंड्स आ चुके हैं एंड दिस इज द डेकोर. डेकोर हम उस लेवल का नहीं कर पाए जो हमने एक्सपेक्ट किया था लेकिन ये भी उसके हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है. कैसे दुआ? तुम तो इधर आओ. इसको मूल का बना क्या है? हाँ.
star. बर्थडे बॉय हो ना ये अब इसके ऊपर ही और तुम्हारे पास नहीं है मुस्तफा अरे जिसके ऊपर वाली मैं जिसके ऊपर वाली और जी खाना स्टार्ट हो चुका है. आज मेन्यू में है रशियन सैलेड, बिरयानी, मटन एंड मैक्रोनीज जो कि साथ में मामा ने कुक किया है.